क्वेश्चन आया है कि जो डाइवोर्स केसेस में भाई सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है, लड़का को या लड़की को, हस्बैंड को या वाइफ को। सो देखो, आज आप डिटेल एक्सप्लेनेशन सुन लो ताकि आपको फ्यूचर में ना दिक्कत ना हो। तो यार देखो, जो लड़का है ना बॉयज़, उसको हस्बैंड को क्या है, बस फाइनेंशियली लॉस होता है, फाइनेंशियली लॉस। बस उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसको वन टाइम का पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। जो उनको दहेज में मिलता है ना थोड़ा बहुत कैश, वो उसमें से करके दे देते हैं जनरली, ठीक है। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है भाई वाइफ को। अब सुनो डिटेल एक्सप्लेनेशन। देखो, एज बहुत मैटर करता है, ठीक है। अगर तुम्हारा डाइवोर्स हो गया ना और तुम्हारी एज निकल रही है, तो एज का बड़ा दिक्कत होता है। लड़कों का तो चल जाता है, आपने देखा होगा लड़का बड़ा ही होता है, लड़की छोटी होती है, एज डिफरेंस चल जाता है। लेकिन लड़की को दिक्कत होगी, लड़की की उम्र भी निकल जाए ना तो भी दिक्कत होती है। दूसरा, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती जनरली, जिसका डाइवोर्स होता है ना उसको ना दूसरी नज़रों से देखा जाता है कि यार इसका डाइवोर्स हुआ है, इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी होगी। और सबसे बड़ी कमी निकालते हैं उसके कैरेक्टर पे, मतलब कैरेक्टर पे निकालते हैं कि भाई इसका कुछ ना कुछ चल रहा होगा, तभी इसके पति ने उसको छोड़ा होगा, ये होगा वो होगा फलाना ढिकाना। मतलब लड़की इज इक्वल टू कैरेक्टर पर ही आती है बात भाई, जितनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की होगी उसके उतने ही कैरेक्टर पर ही आएगी बात। अभी तुम प्रैक्टिकल देखना, कभी क्या आता है ना, कभी तुमने सुना कि किसी मोटी लड़की का अफेयर है उसके साथ, कोई देखना ही पसंद नहीं करता उसको, और हालांकि उसके कितने अफेयर हों समझ, कोई बिलीव ही नहीं करेगा। और कोई स्लिम ट्रिम लड़की है अच्छी, मतलब देखने में अच्छी लड़की है ठीक ठाक, उसका कोई अफेयर भी नहीं होगा फिर भी आरोप लगा देंगे इसका कुछ चल रहा है, सिंगल नहीं है मतलब ये, ठीक है, समझ रहे हो सोसाइटी की। तो दिक्कत होती है लड़की को। दूसरी दिक्कत ये है कि भाई अब देखो, डाइवोर्स होने के बाद लड़की कहाँ आती है, अब मायके, मायके आती है, फिर वहाँ उसे दिक्कत होती है, उसके ससुराल वाले मतलब उसके मायके वाले कि भाई आ गई है, ये है वो है, बहुत सुनाते हैं भाई। कभी आप प्रैक्टिकल चीज़ें देखना, बहुत सुनाते हैं। मैंने तो ऐसे ऐसे केस देखे हैं कि लड़की आ गई डाइवोर्स करके, ठीक है, अब क्या है, लड़की के घर वाले बोल रहे हैं कि भाई तू पैसा ले और कहीं किराए पे रह ले, मतलब हमारे साथ मत रह, हमारी बेइज्जती मत करा, समझ लो। देखो, ये उसके पेरेंट्स, दिक्कत हो रही है ना भाई लड़कियों को, हो रही है, उसको बोल रहे हैं कि भाई तू यहाँ मत रह, हमारी बेइज्जती होती है यहाँ, भाई भाई की जो वाइफ है, मतलब जो उसकी जो ननद ननद क्या बोलते हैं, जो लड़की है उसके भाई की जो वाइफ है, उनको दिक्कत होती है, भाई ये आ गई यहाँ पे, ये है वो है, मतलब देखा होती है भाई, बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो उनको बोलते हैं कि भाई तुम अलग से किराए पे मकान लो और वहीं रहो, लड़की को बोल रहे हैं उसके मायके वाले, दिक्कत। फिर क्या है, शादी की तो मैंने बताई दी, ठीक है, और क्या है, मतलब बहुत दिक्कतें होती हैं, कहने का मतलब ये है। फिर क्या है, हर 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 थर्ड पर्सन उसको वो अप्रोच करता है, भाई इसका तो डाइवोर्स चल रहा है, इसको वो करते हैं अडल्ट्री में लाने की कोशिश करते हैं, यानी कि फुटबॉल बना देते हैं उसे एक तरह से, इधर भी उधर भी इधर भी उधर भी, मतलब होता है ना भाई, जैसे किसी को पता चलता है भाई इसका तो डाइवोर्स चल रहा है, तो देखना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं फ़ायदा उठाने की सोचते हैं, बहुत सारे, मतलब मैं आपको एक वो बताता हूँ, एक मेरी दोस्त है, उस वो ना 44 साल की है, वो लगती नहीं है बस 44 साल की है, तो उसके 2 बच्चे हैं और वो जिम जाती हैं, मतलब उसने जिम में इतने फ्रेंड बना रखे हैं, मतलब उसको लोग इतने अप्रोच करते हैं, और रहती है अपने मायके में, मतलब पब्लिक इंपॉर्टेंस तो पा ली उसने, पर उसका क्या, मतलब स्टेबिलिटी का क्या, आज उसके साथ बातें कर रही है, उसके साथ डेट पे जा रही है, ये है वो है, मतलब उसने अपनी बॉडी को ऐसे मेंटेन किया हुआ है, वो है 44 साल की लेकिन लगती है ऐसे कि 20-22 की, पर उसका फ़ायदा क्या, लॉन्ग टर्म में फ़ायदा क्या, ये भी तो देखो लॉन्ग टर्म में फ़ायदा क्या। और इंस्टाग्राम पे लिख रखा है एड, मतलब एज 44, 2 चिल्ड्रन, डाइवोर्स, ये वो, ताकि इन्विटेशन टू ऑफर तो खुद ही दे रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फ़ायदा क्या, समझ रहे हो, कल को बच्चे बड़े हो जाएंगे, और मतलब बहुत दिक्कत होती है यार। और नेक्स्ट दिक्कत आती है बच्चों को, और जैसे कहीं जाते हैं बच्चे पूछते हैं भाई, पेरेंट्स पूछते हैं ना कि मतलब स्कूल वाले पूछते हैं कि भाई आपके पेरेंट मतलब फादर क्या करते हैं, फिर जो माँ होती है वो बच्चों को कुछ और ही कहानी सुना के रखती है, भाई तुम्हारे पापा ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ, ठीक है, वो भी होती है, बच्चों को दिक्कत होती है भाई, बाप का प्यार नहीं मिलता, और मतलब बहुत दिक्कत होती है। एट द एंड ऑफ डे ये कि जो दिक्कत होती है वो लड़कियों को होती है। और इस वीडियो का जो मॉरल था ना, वो बनाने का ये था कि यार जो डाइवोर्स है ना वो तुम सोच समझ के लिया करो, लड़कियों के लिए बोला हूँ, लड़कों का कुछ नहीं है, वो तो भाई बाहर मुंह मार लेंगे। अब तुम खुद देखो, कोई लड़की है लड़का है, लड़की रात को कितने बजे तक आ सकती है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा, जनरल, रात को पहली बात तो जाने नहीं देते उसको। अब लड़का है वो, भाई कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है वो, कुछ भी, अब तुम इससे देख लो, वो तुमसे कितना फ्री है। और देखो, वो कॉल गर्ल ला सकता है, तुम कॉल बॉयज़ नहीं ला सकती, समझ रही हो, किसको दिक्कत हो रही है, लड़कियों को, अपना फिजिकल रिलेशन नहीं कर पा रहे, वो कर सकता है, वो भाई बाहर मुंह मार सकता है, यानी कि वो कोठे पे भी जा सकता है, कॉल गर्ल भी ला सकता है, रशियन भी बुक कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, दिक्कत क्या है तुम्हें, तुम्हें क्या है, तुम्हारे घर वाले तुम्हें अकेले नहीं जाने देते बाहर, ठीक है। अब पति के साथ रहती कम से कम यूँ तो रहती, ठीक तो रहती। तो मॉरल ऑफ द वीडियो ये है कि भाई छोटी मोटी ईगोज़ के चक्कर में, मतलब छोटे छोटे फ़ायदों के लिए बड़ा बड़ा नुकसान ना झेलो, बड़े बड़े फ़ायदों के लिए छोटे छोटे नुकसान झेलो, यानी कि घर में छोटी मोटी नोक झोंक होती है तो होने दो, लेकिन तलाक मत लो। मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ क्या हुआ, अब देखना आपको लॉन्ग टर्म में समझ में आएगा।
हस्बैंड वाइफ थे, तो वाइफ का क्या होता है, एक दिन ना फ़ोन ख़राब हो जाता है, तो वाइफ बोलती है कि हस्बैंड को भी मेरा फ़ोन ठीक करा लाना, वो ठीक कराने जाता है। तो जो फ़ोन ठीक करने वाला होता है ना, वो उसका दोस्त होता है लड़के का। तो लड़का बोलता है कि आजकल बहुत अफेयर हो रहे हैं कि भाभी का फ़ोन चेक करे। तो लड़का बोलता है नहीं नहीं यार छोड़, कुछ नहीं है इसमें। तो कहते हैं नाना चेक तो करें क्या आप? तो वो लड़का कहता है हाँ यार चेक तो करनी चाहिए। तो लड़का चेक करता है तो भाई उसमें चैट पकड़ी जाती है लड़की की, वो अपने उससे किसी चैट करती है, सेक्स चैट करती है नॉर्मल भी, ठीक है। अब देखना तुम मतलब मॉरल समझना। तो क्या है, अब लड़का आता है उसको पूछना है कि भाई इस फ़ोन में तेरे में किससे बात करती है तू बता। तो लड़की क्या करती है, फ़ोन उठाती है और फेंक के मारती है, ठीक है, और रो धो के चली जाती है, रो धो के चली जाती है अपने मायके, मायके से केस कर देती है भाई मेरे पति ने ये करा है डोमेस्टिक वायलेंस 498 दहेज भाई सब कर देती है, समझ रहे हो, मतलब क्रक्स समझो। अब क्या है, लड़के को आता है गुस्सा, भाई मेरी कोई गलती नहीं कुछ नहीं, इसने मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो अब क्या है, केस चल रहा है भाई, 4-5 साल हो गए, लड़की अपने मायके में है और लड़का अपना अलग इंजॉय कर ही रहा है, अडल्ट्री तो अलाउड है यू नो, चिल कर रहा है। अब लड़की को हो रही है दिक्कत, उसके घर वाले भी सुना रहे हैं कि तू आ गई यहाँ बस गई, ये है वो है फलाना ढिकाना ये है वो है, समझ रहे, उसकी एज भी निकल रही है और सारी बातें प्रोजेन निकल रही है, यानी कि जो एक स्टेज होती है ना प्रेगनेंट की, प्रेगनेंसी की जो एज होती है वो भी निकल रही है, क्योंकि एक एज ऐसी आती है उसके बाद प्रेगनेंसी थोड़ी वो हो जाती है, तो वो भी दिक्कत हो रही है। लड़कों को थोड़ी ना कोई दिक्कत होती है कि, समझ रहे हो, गर्ल्स के लिए है। तो भैया डाइवोर्स सोच समझ के लिया करो, नुकसान एट द एंड ऑफ डे गर्ल्स का है, गर्ल्स का। और जो एक एक कंसेप्ट और आ रहा है कि लड़कियों को बहुत सारे क्या होता है ना, कोई लड़का पसंद आ जाता है उसके साथ चली जाती हैं भाई पति को छोड़ के, यार एक बात तो उसकी क्या गारंटी है कल को वो तुम्हें धोखा दे फिर कहाँ जाओगी, फिर तो तुम्हें पति भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, फिर किसको हमें अपनी अस्तेसी करोगी। तो इससे अच्छा है कि भैया जो मिला है उसमें ही काटो टाइम को, मतलब इन द सेंस उसको ही अच्छा बनाओ, उसके साथ अच्छे रिश्ते बनाओ, और ये मॉडर्न वॉर्डन छोड़ो थोड़ा, मतलब अपना कल्चर का ध्यान रखो यार। सो आई होप इट इज़ क्लियर, तुम्हें समझ आया होगा, मतलब दोनों के लिए है, स्पेशली लड़कियों के लिए, लड़कियों को ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। तो इससे अच्छा भैया झुक के चलो, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलो, क्योंकि यार देखो तुम्हें हस्बैंड के घर रहना है, हस्बैंड को तुम्हारे घर नहीं रहना, और नुकसान भी तुम्हारा, देखो कितने नुकसान गिना दिए मैंने, हस्बैंड का कुछ नहीं जाता। ओके सो आई होप इट इज़ क्लियर, बाय।